धम्म में रह के जो दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमत पारमिता पूर्ण करते हुए वह सम्यक संबुद्ध बन गए। कम से कम हम सम्यक संबुद्ध न सही, दस पारमिता पूर्ण करके दुख मुक्त अर्हत होना है। और एक ही बार में ये दस पारमिता पूर्ण ना भी हो, बूंद बूंद मिल के घड़ा भर जाता है। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख का कारण बन जाता है, बहुत बड़ा पुण्य भी बन जाता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पुण्य पारमिता पूर्ण करना है। जितना भी मौका मिले, जितना भी अवसर मिले, हमें पुण्य करते जाना है। अभी वो पुण्य बोले तो दान, जब भी मौका मिले दान देते जाना है। सील, जब भी मौका मिले सील पालन करते जाना है। जब भी त्याग करने को मिले त्याग करना है, निष्क्रमी बना बढ़ाना है। जब भी कोई अच्छे पुण्य कार्य में साहस करना हो, पराक्रम करना हो, वो वीर पारमिता बढ़ाना है। अच्छे बुरे का समझ रखते हुए, पाप धर्म का समझ रखते हुए प्रज्ञा पारमिता बढ़ाना है। जब भी जीवन में कोई हमें अन्याय करता हो, दुख देता हो, या हमारे अंदर के द्वेष को भड़काना चाहता हो, क्रोध को भड़काना चाहता हो, वो लोग चाहते हैं कि हम गुस्सा करके ऐसे वैसे काम करें, ऐसे वैसे बोले, ऐसे वैसे सोचे, ऐसे समय में बिना गुस्सा किए, बिना द्वेष उत्पन्न किए हमें शांति में रहना है, सहनशीलता में रहना है। सभी का मंगल मैत्री कामना करते हुए मैत्री पारमिता बढ़ाना है। हमेशा अच्छे काम पे संकल्प करते हुए कि ये पंचशील मुझे पालन करना ही है, ये वर्षावास समय में जितना हो सके उतना मुझे दान करना ही है। हाँ, जितना भी अच्छे अच्छे हो संकल्प करते हुए, अधिष्ठान करते हुए उसको पालन करना है, ताकि हमारा अधिष्ठान पारमिता पूर्ण हो। और जब भी जीवन में अच्छा बुरा या सुख दुख या कुछ भी हो, लोग हमें निंदा करें, प्रशंसा करें, हर समय हमें तटस्थ भाव में रह के उपेक्षा पारमिता को बढ़ाना है। ऐसे धीरे 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 पारमिता पूर्ण करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी दुख मुक्त निर्वाण पहुंच पाएंगे। ये शरीर आज है कल नहीं, ये धन संपत्ति आज है कल नहीं, ये जितने भी दिखाई दे रहा है, ये अपने परिवार अपने जन आज है कल नहीं, ये सब अनित्य है, अस्थाई है, अनपरमानेंट है। परमानेंट क्या है? हमारा कर्म। जब तक कर्म है, कर्म का फल है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम भी आएंगे। जब ये अच्छे बुरे सारे कर्म खत्म होगा तो कर्म खत्म हो गया तो कर्म का फल भी खत्म हो गया। कर्म का फल खत्म हो गया तो जन्म मरण, फिर जन्म फिर मरण, ये जन्म मरण का जो साइकिल है, जो चक्र है, ये दुख चक्र, भव चक्र, तम चक्र में बदल जाएगा, दुख मुक्त में बदल जाएगा। और हम सभी दुखों से मुक्त, विमुक्ति सुख, निर्वाण प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा प्रमुख टारगेट, प्रमुख प्राथमिकता, प्रायोरिटी यही निर्वाण होना चाहिए, दुख मुक्त होना चाहिए। ये उपासक ने बड़ा कार्य लिया, पूजने भिक्षु संघ को बुला के बहुत अच्छे से पूजा भी किया। वो कार को ज्यादा अटैचमेंट रह के वो कार को पूजा करना नहीं है। कार का काम क्या है? जहां भी हमारी आवश्यकता हो वहां सकुशल पहुंचा देना, वहां पहुंच जाना। इसलिए हमें वहां पहुंचने के लिए हमें मेहनत करना है, सिर्फ कार को पूजा करके हम वहां पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए ये शरीर भी कार की तरह है, ये धन संपत्ति भी कार की तरह है, ये अपने लोग भी कार की तरह है। अच्छे से प्रयोग किया, सदुपयोग किया तो हम दुख मुक्त निर्वाण पहुंच सकते हैं, नहीं तो उसी उसी में हम भटकता रहेगा। वही कार को, वही कार के चार पहिया को, वही कार के स्टेयरिंग को, वही कार के सीट को, वही कार के फ्यूल को, उसी के इर्द गिर्द घूमते उसी को पूजा करके हम फंसता रहेंगे।
इसलिए हमारा टारगेट हमेशा याद रखना चाहिए, और ये याद रखने के लिए ये अवसर, ये इन्वायरमेंट, वातावरण बनाने के लिए भी हमें ऐसा पुण्य वाला माहौल बरोबर बनाते जाना है। आज ये पुण्य का माहौल बनाने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो पंत जी यहाँ आए हैं, उनके लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।